हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूँ अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT तिरची। आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने की जरूरत थी। बहुत सारे लोगों का मेरे पास यूजुअल मैसेज आता रहता है कि सर, क्या अगर हमारी बैक लगी हुई है तो क्या हमारे प्लेसमेंट में कोई दिक्कत आने वाली है? तो आज उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज पूरी बात करने वाले हैं। आज का जो ये पूरा वीडियो रहेगा, ये बिल्कुल बैकलॉग से ही रिलेटेड रहे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कॉलेज में आने वाली कंपनीज को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा चैनल एमटेक का है, तो मोस्ट ऑफ द हमारा प्रायोरिटी एमटेक के स्टूडेंट ही रहते हैं, पर ये उतना ही इंपॉर्टेंट बीटेक के स्टूडेंट के लिए भी है। अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनके लिए भी काफी कुछ बातें होंगी यहाँ पर। तो देखिए, पहले हम बोन कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, जहां पर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, मतलब जहां पर कोर कंपनीज भी बहुत सारी आती हैं और नॉन कोर कंपनीज भी बहुत सारी आती हैं। बाकी कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पर नॉन कोर कंपनीज ही आती हैं, कोर कंपनीज आती ही नहीं है। थर्ड जनरेशन IIT समझ लीजिए, या फिर आप सेकंड और थर्ड जनरेशन NIT समझ लीजिए। यहां पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ देम में नॉन कोर कंपनी ही आती है, कोर कंपनीज नहीं आती है। लेकिन हम लोग जो वीडियो बनाते हैं उनकी मेन प्रायोरिटी ये रहती है कि हम लोग उन NITs को कवर करें जहां पर कोर और नॉन कोर दोनों आती है। कंपनीज आती हैं कैंपस के अंदर, तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है, या आप कह सकते हो एक डिवाइड होता है कि परसेंटेज बेसिस पर। एक्यूरेट परसेंटेज तो कभी कोई भी नहीं दे सकता, बट मैं एक ओवरऑल परसेंटेज आपको दे सकता हूं। 40% जो कंपनीज होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन के लिए आती है, करीब 20% कंपनीज ऐसी होती है जो डेटा साइंस वगैरह प्रोफाइल के लिए आती है, करीब उसके साथ साथ 30% कंपनीज ऐसी होती है जो कोर से रिलेटेड लेने आती है, और 10% ऐसी कंपनीज होती हैं जो मैनेजमेंट वगैरह पोस्ट के लिए आती हैं, या फिर कंसल्टेंसीज होती हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आपको हायर करने आते हैं। तो देखिए, हर एक कंपनी का अपना बैकलॉग का एक अलग क्राइटेरिया होता है। बात कर लेते हैं कि बैकलॉग्स कितने टाइप की होती है। बैकलॉग्स यहाँ पर 3 टाइप की होती है। देखिए, पहली बैकलॉग वो होती है जो आपको UG में लगी होती है और आप उसे ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। UG में कोई बैक लगी थी, आपने क्लियर कर ली और आपके पास अब डिग्री है, अब आप एमटेक में एडमिशन ले चुके। सेकंड बैकलॉग ऐसी होती है कि जो आपको मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर एमटेक में लग गई, आपने बाद में क्या किया, उस बैकलॉग को क्लियर कर लिया, मतलब आपकी पीजी की जो बैकलॉग है वो ऑलरेडी क्लियर्ड है। और थर्ड बैकलॉग वो होती है जो अभी रनिंग में होती है, मतलब आपको लगी है, आपके प्लेसमेंट के दौरान आपकी चल रही है। तो ये 3 टाइप की बैकलॉग्स होती है। हम इनको रिलेट करेंगे कोर कंपनीज से। अब हम कोर कंपनीज से रिलेट करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि कोर कंपनीज में 60% जो कंपनीज होती हैं, या मैं इसको 60-70 कहना ज्यादा बेटर होगा, जो ये कहती है कि आपकी यूजी में कोई बैक थी तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो थी, आप क्लियर कर चुके हो, आपकी अभी पीजी में कोई भी बैकलॉग रनिंग में नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर आपकी बैकलॉग्स थी तो क्लियर्ड हो और पीजी में कोई भी रनिंग में बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। जनरली कोर कंपनीज में 70% कंपनीज में यही क्राइटेरिया रहता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उन 30% कंपनीज की जो कंपनीज आती हैं और ये कहती हैं कि आपकी ना तो कोई यूजी में कोई बैक रही होनी चाहिए, ना ही आपकी कोई पीजी में बैक होना चाहिए, मतलब यूजी में भी कोई बैक नहीं और पीजी में भी कोई बैक नहीं। तो ज्यादा कोई कंपनी बहुत ज्यादा पैकेज देती है तो ये वाली डिमांड रखती है, तो कई बार हमें इन डिमांड्स को भी कंपनीज की फॉलो करना होता है। हमने यहाँ पर कर ली कोर कंपनीज की बात, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करने। जो लोग कोर में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और अभी भी गेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ES वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा अनएकेडमी लेकर आया आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्सेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरोहन बैच स्टार्ट हुआ है, बायलिंगुअल है, मतलब दो लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी इंग्लिश मुझे लगता है मिक्स होगा, और उसमें अपने मंडल सर, देवेंद्र सर, GS गिल सर, प्रवीण कुलकर्णी सर, आकाश त्यागी सर, आदित्य गुप्ता सर, राजीव सिंह सर, मरुत तिवारी सर वगैरह पढ़ाने वाले हैं। जहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होगा टॉपिक फ्लूड मैकेनिक्स का, देवेंद्र सिंह नेगी सर स्टार्ट करेंगे 8:30 से, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज बर्ज। ये कम्प्लीटली इंग्लिश वालों के लिए, जो बच्चे साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए बैच बहुत अच्छा है। JTSC का बैच है, इसे भी देवेंद्र नेगी सर फ्लूड मैकेनिक्स में स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रवीण कुलकर्णी सर, देवेंद्र नेगी सर, विवेकानंदन सर, सत्या मृति वी सर एंड सुरेश कुमार पी सर यूज करने वाले हैं। अगर देखा तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों बैचेस के लिए आप हमारा कोड SID12334 को यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। कोड आपको यूज करना है नहीं करना, दैट्स ऑल योर चॉइस, मैं किसी को फोर्स नहीं करता मेरा कोड यूज करने के लिए। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनीज के लिए। 40% जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनीज आती हैं, अगर हम उनको एज अप्रोक्सिमेट 100% माने, मतलब उन 40% मतलब टोटल कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर में देखूं
तो मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 80% से ज्यादा कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें कोई मैटर नहीं होता कि आपकी बैकलॉग है या बैकलॉग थी, उनको रहता है कि आप आओ, बढ़िया कोडिंग स्किल्स दिखाओ, सिलेक्शन लो और चलते बनो हमारे साथ। सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी 20% कंपनीज जो ज्यादा बड़ा पैकेज ऑफर नहीं करती है, उनको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कि बैकलॉग्स वगैरह के आपका बैक नहीं होना चाहिए, बैक क्लियर होना चाहिए यूजी पीजी में या करेंट में कोई बैक नहीं होना चाहिए। थर्ड आती है डेटा साइंस कंपनीज। डेटा साइंस कंपनीज में भी मैंने जो मोस्ट प्रोबेबली देखा है उन्हें भी बैकलॉग वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा परसेंटेज वगैरह का कभी कभार होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसा ही डेटा साइंस का होता है। अब बात करते हैं 10% कंपनीज जो आती है कंसल्टिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये कह सकता हूं कि इन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आती है इनमें भी थोड़ा सा ये रहता है, आपकी पीजी में कोई बैक नहीं चलनी चाहिए, करंट में कोई बैक नहीं होनी चाहिए, यूजी की बैक्स क्लियर होनी चाहिए। मोटा मोटा हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कोर सेक्टर और एक हो गया नॉन कोर सेक्टर। तो कोर सेक्टर में ये जो बैकलॉग वाला नाटक होता है ना, ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, कि आपकी यूजी में बैकलॉग नहीं होनी चाहिए या यूजी में बैकलॉग हो तो क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी आएंगी ज्यादा पैकेज वाली जिनकी यूजी में कोई बैक रही होगी ना तो उनको बैठने नहीं देंगे, या उनकी पीजी में कोई करंट बैक चल रही होगी तो उन्हें बैठने नहीं देंगे, या पीजी में कोई बैक रही हो, ठीक है, तो भी उसे बैठने नहीं देंगे। लेकिन ऐसी कंपनीज का अमाउंट काफी कम होता है। मोस्ट ऑफ देम कंपनीज का यही मानना होता है कोर में कि अगर आपकी कोई करंट में बैक चल रही है तो वो आपको मना कर देंगे, अदरवाइज वो आपको ऑलरेडी आपको अप्लाई करने का चांस देंगे। बट नॉन कोर की साइड से मैं ये बोल सकता हूँ कि आप मोस्ट ऑफ देम मतलब बेफिक्र रहिए। अगर आप लोग अपना नॉन कोर की तरफ करियर बनाने के लिए आना चाहते हैं NITs में और IITs में, तो आप अपनी बैकलॉग्स को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए कि आपकी यूजी में बैकलॉग थी तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, या आपकी पीजी में अगर आप कर रहे हो पीजी और आपकी बैक लग गई है फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में या सेकंड सेमेस्टर में तो आपका प्लेसमेंट हैम्पर होगा, तो उतना ज्यादा नॉन कोर वालों को परेशान होने के लिए जरूरत नहीं है। बट कोर वालों के लिए मैं बोलूंगा यार अपना थोड़ा संभाल के चलो, अगर यूजी में लग चुकी है तो कोशिश करिएगा कि पीजी में आपको कोई भी बैक ना लगे। तो आज का ये जो वीडियो था वो इतना ही था जो बैकलॉग से रिलेटेड था। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हो, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारी दी गई हैं। बाकी हमारे वीडियोस को चेकआउट करो यार, शेयर करो यार, आप लोग अच्छे से आजकल वीडियो देख नहीं रहे हो, आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए, हम आपके लिए वो बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे। बैचेस की लिंक है, वो सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो उन्हें जाके डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो। नमस्कार, आज का वीडियो इतना ही था, सिद्धार्थ लाइव के साथ, जय हिंद।